चलो ये एंट्री देख लीजिए पहले, ये दो एंट्री है और ऊपर में आके ये किचन एरिया है, एकदम मॉड्यूलर किचन का, ये किचन का एरिया हो गया जिसमें हाँ ये जो बंगलो है आप देख रहे हैं ये ढाई कट्टा बंगलो में बन रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि रूम कौन सा है, खाली जगह है ही नहीं, उसमें रूम दिख गए इसमें रूम दे, जो देख रहा हूँ भाई रूम, मतलब एक है बड़ा फैमिली के लिए आप आराम से रह सकते हैं। सबसे बढ़िया जो चीज है वो है आपका ओपन टेरेस, जो बालकनी हम बोल सकते हैं ओपन टेरेस ही बोल सकते हैं, कितना बड़ा देखिए एक बेडरूम का साइज का है, आदमी उनके यहाँ पे बैठ के आराम से गप्पे मार सकते हो, टाइम स्पेंड करने के लिए जगह अच्छा है, यहाँ से आपका लुक भी आ जाएगा, यहाँ देखो एकदम अलग भाई शांति जगह, फिशिंग की औजार भी रखी हुई है एकदम, निकाल के खुद अपने लिए खा सकते हो, तो बोटिंग करने के लिए आपको बोट भी लगी हुई है। वेलकम गाइस, कैसे हो आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक अलग बंगलो को लेकर, यानी कि हमने कुछ दिन पहले आपको बीएम सिटी का बंगलो दिखाया था, वो काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया था, अच्छा लगा था आप लोगों को, तो इसलिए मैं फिर से एक बार आ गया हूँ मेट्रो सिटी पार्क विलास के पास, ठीक है। यहाँ भी आपको जो है विलास मिल जाएगी, यानी कि बंगलोस आप अपने हिसाब से बना सकते हो और प्राइसिंग भी काफ़ी अलग है, और आज का जो लोकेशन भी है ना वो काफ़ी अलग है, अलग मतलब भाई टॉलीगंज के पास आपको ये है, पिछले वाले हमने दिखाया था जोका के पास, और ये है आपका तालीगंज के पास, यहाँ से तन्मेदा से, तन्मेदा कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे? हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो फिर से आ गए हम लोग एक बार और एक प्रोजेक्ट लेके, हम लोग इधर का प्रोजेक्ट का नाम है मेट्रो सिटी पार्क विलास, जो आपका टालीगंज से बहुत नजदीक है, 15-20 मिनट का दूरी में आप टालीगंज से यहाँ पहुँच जा सकते हैं, यहाँ पे आप बांग्लो का प्रोजेक्ट बन रहा है एकदम पूरा आपका इंडिपेंडेंट हाउस, मतलब खुद का घर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इस प्रोजेक्ट आपको अंदर में लॉ कॉलेज भी मिलेगा, आगे सामने दिखा देते हैं जो है ना ये प्रोजेक्ट के अंदर भी ये लॉ कॉलेज भी आती है, देखो यहाँ पे पीछे मिल जाएगी, हाँ, इसका लॉ कॉलेज एलजीडी लॉ कॉलेज नाम है इसका, एलजीडी लॉ कॉलेज, हाँ, और ये मतलब ये भी इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आती है, एकदम एकदम इस प्रोजेक्ट के अंदर ही है, प्रोजेक्ट का पूरा कैंपस के अंदर ही है लॉ कॉलेज, लॉ कॉलेज, और यह प्रोजेक्ट आपका 70 बीघा जमीन लेके बन रहा है, 300+ बंगलो बनेगा, ऑलरेडी यहाँ बन रहा है, हैंड ओवर भी कर चुके हैं, दिखा देंगे आपको, क्या बात है भाई, तो ऑलरेडी मतलब कितना बीघा बताया आपने, 70 बीघा 300+ बंगलो बनेगा, क्या बात है भाई, यहाँ आपका 1.25 कट्ठा, 2 कट्ठा, 2.5 कट्ठा, आपका 3 कट्ठा में आपको बंगलो मिल जाएगा, बंगलो मिल, तो ये एकदम टॉलीगंज मेट्रो के पास से, इसलिए नाम भी है इनका मेट्रो सिटी पार्क, एक से एक बंगलो जो कि अभी यहाँ पे बन चुकी है, और आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है ना कि भाई संग संग बना देते हैं, एकदम 8 महीने में हैंड ओवर हो जाएगा, 8 महीने के अंदर हैंड ओवर होगा, ऐसा नहीं कि भाई सालों भर, तो 4-5 साल के बाद हैंड ओवर देते हैं, बता रहे थे ना कि बहुत लोग क्या करते हैं वो जरा बताइए, एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या होता है 4-5 साल बाद आपको हैंड ओवर देते, हम लोग 8 महीने में हैंड ओवर देते, एक बात सोचिए आज आपके साथ एक प्राइस में फिक्स हो गया, क्या ना आपके एक बंगलो 60-70 लाख रुपए में फिक्स हुआ, बट बंगलो आपको 4-5 साल बाद हैंड ओवर देगा, वो लोग काम स्टार्ट करेगा 1.5-2 साल पहले, अच्छा। तो अभी ये बीच में जो गैप है, इस गैप में रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ जाता है, तो वो लोग कैसे बनाएगा, वो लोगों का प्रॉफिट कहाँ होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रोजेक्ट क्या होता है इसी चक्कर में बंद हो जाता है, तो ये चक्कर पैसा डूब जाता है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ स्टेट बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, आपको स्टेट बैंक से लोन मिल जाएगा, 8 महीने में हैंड ओवर मिल जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट में 4-5 साल आपको वेट करने का कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल, तो देखो भाई टाइल्स, ये एकदम टाइल्स मार्बल हम लोग इंपोर्ट करके लेके आए, एकदम राजस्थान से हम लोग खुद जाके लेके आए भाई, राजस्थान से इंपोर्ट होती है, इनके जितनी घर है एकदम, ये अच्छी क्वालिटी की घर है, ये जो रोड भी देख रहे हैं, रोड भी कितना बड़ा देखिए, रोड भी बड़ा है, 30 फीट का रोड है। तो चलिए फिर हमने आपको स्टार्टिंग दिखा दिया, और एक बार प्रॉपर तौर में एड्रेस बताओ कि ये कहाँ पे, ये एड्रेस आपका टालीगंज मेट्रो से 15 मिनट का दूरी में है, कावड़डांगा जुल्फिया रोड के ऊपर है, एकदम नजदीक आपका 15-20 मिनट का दूरी में, 15-20 मिनट का, इससे ज्यादा, आप लोग भी टालीगंज से तरफ से आए हैं आपको पता है कितना टाइम लगा है, 15-20 मिनट का दूरी में ही आपको है, आने में टाइम लगा है, समझ में आ गया, और ये जो पहला यहाँ पे भी एक बंगलो दिख रहा है, हाँ, वो जो हैंड ओवर है कर चुके हैं, और ये वाली भी हैंड ओवर है, ये वाला भी हैंड ओवर है, बट चाबी हम लोगों के पास है, हम दिखा देते हैं, चलो ये एंट्री देख लीजिए पहले, ये दो एंट्री है, ये आप लोग खुद पैदल जाने के लिए, और ये कार पार्किंग का एंट्री है, कार पार्किंग भाई यहाँ, तो आप देखे टाइल्स भी लगा हुआ है, ये आपका एरिया देखिए, आपका बड़ा सा इनोवा गाड़ी भी रहेगा तो आपका आराम से अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे तो हाँ ये आप गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, इस साइड जैसे गार्डन ऑलरेडी है कर चुके हैं हम लोग, इसी तरह आपका सजा के देंगे, सजा धजा के देंगे, एकदम फिट करके देंगे, और ये विंडो देखिए एकदम साल सेगुन का डोर है, आप समझ में आ गया आपका क्वालिटी देखने भी समझ में आ जाएगा, चलिए अंदर चलते हैं, ये मार्बल फिनिश है देखिए, जो हमने बताया कि राजस्थान से एकदम एकदम, ये अंदर आने के बाद ये आपका ड्राइंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया एकदम, ड्राइंग रूम है, नीचे में एक बेडरूम है,
इधर एक वॉशरूम है, वॉशरूम भी है। देखिए बेडरूम भी बहुत बड़ा सा है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से भाई आपका, दोनों तरफ से आपका क्या है, विंडो है, विंडो है। तो विंडो होने से ये आपका क्रॉस वेंटिलेशन है, तो ये फॉल्स सीलिंग भी, जो फॉल्स सीलिंग में जो फॉल्स सीलिंग चाहता है हम लोग भी कवर करके देंगे, ये वाली भी। और ये वाली दरवाजा कौन सी है, एकदम फ्लैश डोर है, फ्लैश डोर है। अच्छा अच्छा, मजबूत है, मजबूत। अब इसके बाद देख लो भाई, ये नीचे में कॉमन वॉशरूम तो देख ही लिए है आप लोग, एकदम बड़ा साइज का है। ये आपका यूटिलिटी एरिया है, अच्छा। मतलब वॉशिंग मशीन यूज करने के लिए है, बहुत उत्तम। देखो कल भी लगा हुआ है, एकदम एकदम बहुत सही। तो चलिए फिर इस सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। हाँ, अरे सीढ़ी में आप लोग देखिए ग्रेनाइट लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रेनाइट और मार्बल का फिनिश। दूसरी जगह में कोई मार्बल देता है या एंटी स्किड टाइल्स देते हैं, बट हम लोग यहाँ पे ग्रेनाइट देते हैं। और सीढ़ी भी काफी अच्छा है भाई, एकदम देख लो भाई, स्टाइलिश लग रही है। और मार्बल भाई देख के तो प्यार आ जाएगा आप लोग को, इतने अच्छे क्वालिटी की नजर आ रही है मार्बल नीचे, देख बहुत सही लग रही है। और ऊपर में आके ये किचन एरिया है, ये एकदम मॉड्यूलर किचन करके हम लोग दे दिए हैं। क्या बात है भाई, बहुत सही मॉड्यूलर किचन है। इसमें देखो भाई ये सब सामान से रख सकते हो, और ये वाली चिमनी हो गई, चिमनी भी लगा हुआ है। ये वाली भाई कुछ सामान से यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते। तो भाई पुल्ली एकदम एकदम फन मॉड्यूलर करके दे रहे हैं। यहाँ भी आपको एक फैन मिल जा रही है, हाँ, सामने विंडो भी है, और इसमें भी फॉल सीलिंग की गई है। इधर आओगे तो इसके बीच में भी फॉल सीलिंग तो यूज पूरा किया गया है। और ये देख लो एक बेडरूम होगा, इसके साथ आपका अटैच बालकनी है। अब ये जो फील है ना, इसके लिए आप पैसे दोगे एकदम। ये जो आप जो डोर का लॉक देख रहे हैं ना, ये आपका गोदरेज का है, गोदरेज का है, हाँ। कोई नॉर्मल मतलब कंपनी का नहीं है, एकदम गोदरेज का है। ये एकदम बालकनी भी देखिए, एक बहुत बड़ा बालकनी है, बहुत बड़ा है भाई ये। और साथ आपका टाफन ग्लास भी लगा हुआ है, ये वाली कांच देखो भाई बहुत सही। कि इसको क्या बोलते हैं, टाफन ग्लास बोलते हैं, टाफन ग्लास मतलब मजबूत, मजबूत है, काफी ज्यादा मजबूत है भाई, देख लो तो टूटेगा नहीं ऐसे ही। हाँ तो ये देखो, ये जो देख रहे में इसका, यहाँ पे आके एक बांग्लो लेने का जो अनुभूति है, एक फीलिंग होता है ना घर का, फीलिंग वो आपको मिल जाएगा, कोई फ्लैट में ऐसा फीलिंग नहीं मिलेगा आपको, एकदम जो फ्रेश एयर, फ्रेश एयर, ग्रीनरी देखने के बाद आपको ऐसा फील तो आएगा ही है। और स्विच बोर्ड वगैरह भी हम बोलेंगे दिखाने के लिए, लाइट फैन, अच्छा लाइट भी चल रही है, लाइट फैन ये सब हम लोग फिनिश करके दे देते हैं। ये देखो भाई फैन, ये हैवेल्स का फैन है, ये भी हम लोग लगा के दे देते हैं। स्विच बोर्ड देख लीजिए, एकदम मॉडर्न स्विच बोर्ड है, आपका एसी का पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे आ चुकी है। हम यहाँ पे एक बार बोलूंगा बाथरूम को दिखाने, इसका फिटिंग्स, ये भी मॉड्यूलर, ये एकदम फिटिंग्स देख लीजिए कितने सब फिटिंग्स है, बहुत सही भाई। गीजर वगैरह सबके लिए लाइन भी दिया हुआ है क्या? हाँ, एकदम 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 सब कुछ लाइन दिया हुआ है, बहुत सही। अब एक और बेडरूम है यहाँ, हाँ इधर और एक बेडरूम है, इसका सेकंड बेडरूम है। तो दोनों बेडरूम का नीचे की तरफ भी सेम आपका विंडो है, साइज भी देखिए कितना बड़ा सा, 11x11 का साइज है, साइज भी बड़ा है, बहुत सही। ये भी बड़ा लग रहा है। चलिए फिर ये भी देख लो भाई, जो तो छत पे जा सकते हैं, छत पे चलते हैं भाई, आ गया छत पे। लेकिन छत कितना बड़ा सा है देख लीजिए, ये भाई अलग खूबसूरत है भाई, इसका नजरिया अलग है, अलग नजारा है इसका, कितना बड़ा सा छत है। छोटा गेट टुगेदर या बर्थडे पार्टी आप जैसे पहले भी बोले थे, यहाँ पे ऐसे ही मना सकते हैं, मना सकते हैं भाई, कम्युनिटी हॉल का कोई जरूरत ही नहीं है। देख लो लाइन से भाई, इधर भी पूरी, उधर हम दिखा। आपको एक चीज और बता दे, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके बगल में सेम ऐसा ही, सेम ऐसे ही बन जाएगा। अब देखो ऐसे ही करके ना, पार्ट बाई पार्ट जो जो बुक हो चुकी है सब बन वहाँ पे बन रहा है। देखो ये हो गई, वो वहाँ पे एक देखो बंगलो बन रहा है, ठीक है, जूम करके देख। हाँ, और रास्ता वगैरह दिखा दीजिए, रास्ता भी समझ में आएगा कैसे रास्ता है, कितना बड़ा सा रास्ता है, देखने में कैसे आएगा। सामने लॉ कॉलेज भी आप यहाँ से दिखा सकते हो, अंदर में ही है, प्रोजेक्ट के अंदर में ही है, ये सब रास्ते आपको देख रहे। चलिए और भी एक दो फ्लैट देखिए, यहाँ से लेक भी एक बार दिखा देते हैं। अच्छा लेक भी है, हल्का इसका नजारा मिल जाएगा। ये इसके बगल में एक और, इसी बगल में और एक बंगलो है, वो दिखा देते हैं। सो गाइस, हमने ये वाली बंगलो देख लिया, अब उसके जस्ट बगल में चलते हैं, एक और बंगलो है, ये अलग डिजाइन है, ये एक अलग डिजाइन है। इसी तरह आप मतलब कार पार्किंग का गेट है, और इधर आपका मेन एंट्री है। तो यहाँ देखो, चलिए यहाँ दिखा देते, कार पार्किंग के लिए है, और यहाँ पे गार्डनिंग, एकदम क्लोजर गेट भी लगा हुआ है। ये अंदर घुसने के बाद आपको फर्स्ट ड्रॉइंग रूम मिलेगा, ये जो अंदर जैसे ही घुस गया आपका ड्रॉइंग रूम है, ड्रॉइंग रूम है, साइज भी बड़ा सा है। फिर इसको अलग करके आ गया हम लोगों का डाइनिंग और किचन की तरफ, ये आपका डाइनर बाय का डाइनिंग, और इधर आ गया आपका किचन, पावर किचन, आपको देख सकते हो बड़ा सा किचन है, कोई छोटा किचन नहीं है, बड़ा सा किचन। आपका इधर फ्रिज रखने का जगह है,
ये जो जगह देख रहे हैं फ्रिज रखने का, इधर आपका स्लैब भी लगा हुआ है ग्रेनाइट का। चलते रूम देख लेते हैं। इस साइड पे छोटा सा कॉरिडोर है, कॉरिडोर में सामने फर्स्ट आपको वॉशरूम मिलेगा, सेम पहले वाला जो फिनिश देखे थे उसी तरह ही फिनिश होगा। वॉशरूम भी देखिए बड़ा साइज का है, 7 फीट तक आपका टाइल्स लगा हुआ है वॉल टाइल। और अंदर में एक फर्स्ट बेडरूम, नीचे का एक बेडरूम, ये इसका साइज है 10x11। सेम नीचे की तरह आपका 2 को मतलब विंडो मिल रहा है जो क्रॉस वेंटिलेशन की तरह है, तो हवा और लाइट का कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब ऊपर चलते हैं सीढ़ी से, और इसका भी सीढ़ी देख लेते हैं। हाँ, इसका सीढ़ी का नीचे सेम तरह आपका यूटिलिटी एरिया है। ये देखिए यूटिलिटी एरिया है, मतलब वॉशिंग मशीन यूज कर सकते। और इधर भी आप देखिए ग्रेनाइट यूज किए है हम लोग, कोई नॉर्मल मार्बल या टाइल्स यूज नहीं किया है, ग्रेनाइट पिछले वाले से ही है। और जाते हैं इधर भी देखिए, फर्स्ट आप मतलब सीढ़ी से आने के बाद ही आपको मिल जाएगा आपका छोटा सा लिविंग ड्राइंग एरिया या फैमिली लॉन्च मिलेगा, इसके साथ आपका अटैच आपका बैल्कोनी रहेगा। देखिए बैल्कोनी भी आपका बड़ा साइज का है, ये शायद कस्टमर अपने हिसाब से बनवाए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग का प्लान में है, प्लान में ही है। सही। अच्छा अब ये देखिए इस साइड में आपको रूम दिखाता हूँ, ये छोटा कॉरिडोर का दोनों तरफ दोनों बेडरूम है, अभी काम चल रहा है तो इसीलिए सामान वगैरह रखा हुआ है। अब रूम का साइज देख ले कितना बड़ा सा साइज है, ये आपका वार्डरोब एरिया है, ये जो एरिया देख रहा है ये आपका वार्डरोब एरिया है, ये दोनों आपका बड़ा सा विंडो हो गया क्रॉस वेंटिलेशन में है। इस साइड में है आपका वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम है और एक बेडरूम है, बेडरूम के साथ भी ये बेडरूम हो गया, इसके साथ भी एक, इसमें आपका 3 बेडरूम मिल रहे हैं, 3 आपका वॉशरूम मिल रहा है। ये कितना बड़ा सा, ये जो आपको इधर सब रेलिंग लगा रहेगा, वो जो बिल्डिंग में देखे हैं ना, यहाँ वॉल नहीं रहेगा, उसी तरह रेलिंग लगा हुआ रहेगा। अच्छा, वो जो बिल्डिंग में देखे हैं रेलिंग लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, उसी तरह रेलिंग और ग्लास लगा रहेगा। चलते हैं, एक और छत है यहाँ पे बंगलो, ये भी देख ले क्या? नहीं, वो बंगलो और ये बंगलो सेम, पहले वाला जो बंगलो देखे थे सेम है। और लेक के सामने चलते हैं, चलिए लेक के सामने चलते हैं और वाला भी दिखाते हैं। तो आ जाते हैं, एक और बंगलो देख लेते हैं। हाँ, ये जो बंगलो है आप देख रहे हैं ये 2.5 कट्टा बंगलो में बन रहा है। और वो सब कितने में था? वो था 2 कट्टा में, ये 2.5 कट्टा में। 2.5 कट्टा में बंगलो बड़ा सा है। इधर भी आप देख सकते हैं कितना एरिया आपका खाली है, मतलब गार्डनिंग करने के लिए कितना जगह है भाई। देखो भाई कितना सा जगह है, या कार पार्क कर सकते हो। कार पार्किंग लिए आपका अलग है कार पार्किंग एरिया। ये सेम जो डिजाइन आप देख रहे हो ना कि 2.5 कट्ठा में बनाना है, तो सेम डिजाइन आपको 8 महीने के अंदर बन जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि अभी पैसा दोगे 5 साल बाद मिलेगा, तुरंत आप जैसे पैसे दोगे आपका ही पैसा का यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। राइट, एकदम एकदम। आइए तो पहले हम घुसते हैं अंदर, आके फिर आपको फर्स्ट मिलेगा ये आपका लिविंग रूम है। साइज देखिए कितना, एकदम पूरा सोफा सेट है, उसके बाद भी कितना एरिया है देख लीजिए, ये हैंडओवर हो चुका है, इसीलिए आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा सा साइज है। बिल्कुल, ये हैंडओवर हो गया। हाँ, ये 11x11 साइज है, मतलब एक बेडरूम का साइज में आपको लिविंग रूम मिल रहा है। मिल रहा है, बहुत सही। तो उसके बाद फिर यहाँ आपका डोर मिल जा रहा है, जहाँ आपको अंदर का मतलब बाहर का आदमी अंदर में क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलेगा। फर्स्ट अंदर आते हैं, अंदर आके आपको किचन और वॉशरूम मिल रहा है। अच्छा, देखिए किचन एकदम कितना बड़ा, किचन का साइज देख लीजिए, ये आपका डाइनिंग एरिया है, साथ में इधर एक वॉशरूम है, वॉशरूम भी देखिए कितना बड़ा सा है। बहुत सेम फिनिश, देखिए पिछले वाला जो बंगलो में फिनिश देखे थे इसी बंगलो में सेम फिनिश है, ऐसा नहीं है दोनों बंगलो में डिफरेंस होगा। बिल्कुल, ये किचन का एरिया हो गया जिसमें मैंने बताया इसमें सब सामान रखी हुई है, मतलब अभी रहते हैं लोग इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अभी ये डाइनिंग है, डाइनिंग हो गया। और नीचे में इधर जैसे यूटिलिटी एरिया था उधर भी यूटिलिटी एरिया, हाँ यूटिलिटी एरिया है। एक बेडरूम, नीचे वाला बेडरूम दिखा देते हैं, साइज देख लीजिए बेडरूम का साइज देख, उधर भी इसी तरह बेडरूम का साइज मिला था। देखिए एक आपका किंग साइज बेड है, एक वार्डरोब है, एक आपका ड्रेसिंग टेबल है, उसके बाद भी कितना एरिया खाली है, और इसके साथ एक वॉशरूम है, वॉशरूम भी अवेलेबल है यहाँ। ये देखिए यहाँ ये 4 BHK 4 टॉयलेट है, 4 BHK, हाँ 4 BHK। नीचे में एक बेडरूम है, ऊपर में 3 बेडरूम है। बहुत सही। तो अब चलते हैं इसके ऊपर देख लेते हैं, सीढ़ी यहाँ भी है लगी हुई है। हाँ देखिए, तो यहाँ पे भी सेम ग्रेनाइट लगा हुआ है, हम लोग फ्लोर में ग्रेनाइट ही देते हैं, सीढ़ी में जो फ्लोर है उसमें ग्रेनाइट है, जो भी बंगलों में जाएंगे उसमें ग्रेनाइट ही रहते। छोटा सा कॉरिडोर हो गया, दोनों तरफ 2 बेडरूम, 3rd बेडरूम है, ये फर्स्ट बेडरूम है, इसके साथ आपका अटैच वॉशरूम, ये भी सेम नीचे के जैसा उसी तरह है। देखो इसमें इको थोड़े कम हो रही हो गई होगी हम लोगों की आवाज़, क्योंकि इसमें भाई सामान रखी हुई इसलिए आवाज़ इको कम हो रही है। इधर भी एक वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम, सेम जैसे हमने नीचे देखा वैसा ही है। एक और सेकंड बेडरूम दिखा देते हैं, ये आपका सेकंड बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम है। क्या बात है भाई, ये ऐसा रूम मेरे को दिखा ना,
जिसमें सबसे ज्यादा भाई रूम दिख रही है मेरे को, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि रूम कौन सा है, खाली जगह है ही नहीं, उसमें रूम दिख गया, इसमें रूम दे, जो देख रहा हूँ भाई रूम, मतलब एक है बड़ा फैमिली के लिए आप आराम से रह सकते हो। सही है भाई, विंडो भी देखिए कितना बड़ा बड़ा विंडो है, विंडोज भी देखो काफी बड़ा है, बड़ा है ये देखिए, इधर भी देखिए एकदम क्रॉस वेंटिलेशन है, ये आपका वार्डरोब एरिया था, भी देख लो वार्डरोब एरिया है, सामान भी रखी हुई, थर्ड बेडरूम की तरफ, थर्ड बेडरूम की तरफ, और इससे पहले ये कॉमन वॉशरूम है, इधर एक कॉमन वॉशरूम आपने दिखा दिया, अब इस साइड आइए, इधर इधर भी आओगे तो एक थर्ड बेडरूम है, ये भी थर्ड बेडरूम है आपका, चिल्ड्रन के लिए मतलब बच्चे लोगों के लिए आराम से रह सकते हो, क्वीन बेड है, और इसके साथ सबसे बढ़िया जो चीज है वो है आपका ओपन टेरेस, जो बालकनी हम बोल सकते हैं, ओपन टेरेस भी बोल सकते, कितना बड़ा देखिए, एक बेडरूम का साइज का है ये, आप आराम से तीन चार आदमी मिलकर यहाँ पे बैठ के आराम से गप्पे मार सकते हो, टाइम स्पेंड करने के लिए जगह अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, ऐसा लग रहा है कि हम खुद यहाँ पे रह ले, कम से कम शाम तक तो रहना चाहिए, आराम से शाम के टाइम में भाई एकदम फैमिली मिलके बैठ पार्टी मना, पार्टी मना जो भी करना है कर सकते हो, बहुत सही लगा भाई ये वाली, तो सेम डिजाइन आप बनवा सकते हो, एकदम सेम डिजाइन ही बनेगा, सेम फ्लोर प्लान बनेगा, जैसे यहाँ आप टाइल्स देख ले उसी तरह टाइल्स लगेगा, आपका फ्लोर में जो मार्बल टाइल्स जैसे है उसी तरह ही लगे रहेगा, बहुत सही भाई, तो आप देखो यहाँ पे देखो ना वुडन की फिनिश की गई है, काफी गजब की लग रही है, ये आपका फॉल सीलिंग का काम हुआ, बहुत सही भाई, हाँ इसके साथ ऊपर जैसे छात था इसी तरह उसमें छात भी है, और इसके ऊपर में आपका रूफटॉप गार्डन है, अच्छा चलिए देख लेते हो भी, सो अभी जो हमने नीचे का माहौल दिखाया ऊपर का माहौल इससे भी अच्छा दिखेगी भाई, ये देखो ये आपका रूफटॉप गार्डन हो गया, रूफटॉप गार्डन हो गया, ये गार्डनिंग स्पेस है यार, इतना अच्छा कैसे बना दिया, ये बहुत सही, यहाँ भी देख लो कोई भाई यहाँ पे वॉल नहीं है, मतलब ईटा नहीं है कह सकते हो, या बाउंड्री नहीं है, ये वाली स्टेनलेस स्टील का फिनिश, स्टील और यहाँ ग्लास का फिनिश, ग्लास का फिनिशिंग है, और यहाँ पे देखो ये वाली तो उगाया जा रहा है एलोवेरा भाई, गजब की वाली, ये वाली भाई जबरदस्त लगा भाई, तो ये यहाँ से आपका लुक भी आ जाएगा, यहाँ देखो एकदम अलग भाई, शांति जगह है, इसके अलावा उस वाली को भी देख लो, वो उधर मंदिर भी है, मंदिर भी एक बार जूम करके दिखा देना, यहाँ शिव मंदिर भी है, शिव मंदिर और भी प्रोजेक्ट जो भी है ना वहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, अब चलते थोड़ी सी वो लेक के पास, चलिए तो लेक के बाद आपको लोगों को बता देते हैं अमेनिटीज़ क्या है, कैसे बुक करना है, ये वाली देखिए यहाँ पे भी पौधा लगाया है, तो ये देखिए हमारे आसपास जो है ना इसी चीज़ का आनंद आपको चाहिए ना तो आना पड़ता है, ये सब बंगलों लेने के लिए जितने आपको बंगलों लेने के लिए इधर आना पड़ेगा, अब ये जो है ना भाई काफ़ी अलग, ये भी कुछ चीज़ की पेड़ है, और इधर देखोगे तो यहाँ पे आपकी लौका हो रही है, लौकी लेक देखिए कितना बड़ा साइज का है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, देखो बोट भी है, बोटिंग कर सकते हो, और इसको आने वाले टाइम में इसको और ज्यादा ब्यूटिफिकेशन कर देंगे हम लोग, मतलब काम तो चल ही रहा है, तो यहाँ आपको जो जो एमिनिटीज वगैरह मिलेगा जैसे आपको क्लब कम्युनिटी जिम स्विमिंग पूल, ये मॉडर्न एमिनिटीज हो गया, इसके साथ आपको मिलेगा सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज सिस्टम, आपका स्ट्रीट लाइट बोर्ड, आपका लेक, चिल्ड्रेन पार्क, ये सब भी आपको मिल जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि आप गांव में आ गए हो, मतलब आपको गांव वाली फीलिंग थोड़ी बहुत आएगी, मतलब वो बंगलो वाली बंगलो वाला जो फीलिंग है वो आपको मिल जाएगा, ये अलग मतलब फार्म हाउस है, एकदम एकदम एक फार्म हाउस है जैसा, तो यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं आप, मतलब मछली पकड़ सकते हैं बैठ बैठ के, बहुत स्पेंड हो जाएगा, आप देखा यहाँ चारों तरफ से मतलब सब कुछ रखा हुआ है, फिशिंग की औजार भी रखी हुई है, हाँ, एकदम तो निकाल के खुद अपने लिए खा सकते हो, हाँ, वो बोटिंग बोट भी है, आप बोटिंग भी कर सकते हो, कर सकते हो, तो ये सब बंगलों के लिए जो पेमेंट का पॉसिबिलिटी है हम बता देते हैं एक बार, बिल्कुल ये सीढ़ी भी लगी हुई है, नहा भी सकते हो क्या, हाँ एकदम एकदम, अच्छा उसके पहले भाई जानने से पहले ये वाली भी एक बार देख लो, सेम वैसे ही बन रही है, सेम ऐसे ही बन रही है, जैसे हमने वहाँ पे देखा, वहाँ देखे थे उसी तरह घर में जैसा वैसे ही ये वाली, एकदम एकदम भाई, वो जो एक बार देख लेगा ना वो बोलेगा कि मेरे को ऐसा ही बना दो, बात ये है, तो सेम वैसे ही बन रहे हैं वाली, सेम एरिया भी, ये थोड़ा ज़्यादा ही इकट्ठा लग रहा है, कितना इकट्ठा है, ये भी ढाई कट्ठे में बन, ये भी ढाई कट्ठे में बन रहा है, और इस साइड में देखो, चलिए ऑलमोस्ट तो हर कुछ हमने जान लिया, ये सब बन ही रही है, देखो सबकी गैप जगह जो जो बुक कर ली है उसका अलग से, इसके ये वाले फ्लैट जो देख रहे हैं ना बगल में, देखो बंगलों के बगल में एक और बंगलो यहाँ पे बनेगा, रेडी होने वाली, ये वाली बन चुकी है, बनेगा वो वाला बन रही है, तो ये वाली चीज़ अभी है, और इस साइड में देखोगे तो बोटिंग करने के लिए आपको बोट भी लगी हुई है, तो काफ़ी एकदम भाई बहुत सही इंतज़ाम है,
तो चलिए फिर इस वातावरण को लेने के लिए क्या देना पड़ेगा, क्या चीज़ सिस्टम क्या? तो हम बोल रहे हैं जो आपके डिस्प्ले में नंबर है उसी नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए। उससे पहले आपको मैं पेमेंट के पॉसिबिलिटी को बता देता हूँ। यहाँ 1,00,000 रुपये दे आप बुक कर सकते हैं, 1,00,000 सिर्फ 1,00,000 रुपये देखे। अच्छा। आप बंगलो बुक कर सकते हैं, आपको 10% दे के एग्रीमेंट कर सकते हैं, बाकी 80% आपका 90% आपका स्टेट बैंक से लोन हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं स्टेट बैंक से लोन होने का मतलब ये प्रोजेक्ट स्टेट बैंक से अप्रूव्ड है, मतलब यहाँ का जितना का जमीन के वगैरह या पेपर वगैरह जो है सब कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट से अप्रूव किया हुआ है, किया हुआ है एकदम बहुत से। और एड्रेस वगैरह तो आपको बता ही दिए, बाकी यहाँ पे जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव एकदम पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा, और टालीगंज से पिकअप ड्रॉप का फैसिलिटी भी है। जो लोग विजिट करना चाहते हैं वो टालीगंज आके कॉल करना, टालीगंज आके कॉल कर लें, वहाँ से हम लोग पिकअप कर लेंगे, पिकअप कर लेंगे भाई और ये बता देंगे। और यहाँ पे बाकी देखो तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी भरी हुई है। हाँ। मतलब हमने लास्ट प्रोजेक्ट में भी दिखाया था कि जहाँ पे करंट आ गया, जहाँ पे बिजली आ चुकी है, वो भाई ऑलरेडी ऐसे हाफ अप्रूव्ड है, बाकी SBI बैंक है वो भी अप्रूव्ड है कर दिए एकदम। तो अप्रूव जो जगह है वो सब बता दिए। और इनका खास बात क्या है ना कि जैसे आपको पेमेंट ले 8 महीने के अंदर सेम घर आपको हैंडओवर कर देंगे एकदम। मान लो उन्होंने वो घर को देखा, बुक किया और 8 महीने के अंदर बोला कि मेरे को बना दो मेरा प्रोजेक्ट, भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये आपका 8 महीने का ही प्रोजेक्ट, 8 महीने का प्रोजेक्ट इतना कुछ बन गया। हाँ एकदम, क्या बात है, बहुत। तो कैसे डेवलपमेंट आपको भी पता चल रहा है, बहुत अच्छा। तो चलिए फिर वीडियो समाप्त करते हैं एकदम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एक प्रोजेक्ट में, सी यू।